हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज देखिए, अक्सर क्या होता है, हमारे बच्चों को सर्दी जुकाम होता है और हम बाजार में बहुत सारे पैसे डाल देते हैं लेकिन घरेलू उपाय नहीं करते हैं। तो अब देखिए, मैं एक घरेलू उपाय बताने वाली हूँ और ये आप एक दिन बनाओगे और महीने भर के लिए स्टोर करके रख सकते हो। तो ये है बादाम का उपयोग। तो देखिए, मैंने बादाम लिए हुए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कितने भी ले सकते हो जितना आपको पाउडर बनाना हो। तो देखिए, मैंने करीब ये आधा डिब्बा बादाम है इस तरीके से। और हम बच्चे के लिए या बड़ों के लिए, किसी के लिए भी बना सकते हैं इस पाउडर को। अक्सर कभी कभी क्या होता है, बड़ों पे भी ये जो बादाम है वो खाए नहीं जाते हैं, तो आप बड़ों को भी दे सकते हैं। लेकिन इसका हम बनाने वाले हैं पाउडर। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका हमें एक कढ़ाई लेनी है छोटी सी और उसमें इन बादाम को डाल देना है। तो देखिए, इन बादाम को मैंने इसमें डाल दिया है और इसको हम अब भूनेंगे बिना ऑयल के। तो आपको ना घी डालना है, ना ही ऑयल डालना है, ना ही इसमें कुछ भी नहीं डालना है। तो देखिए, गैस को हम कर देते हैं ऑन। तो हमारी गैस हो चुकी है ऑन और हम इसे कर देते हैं मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो देखिए, मैंने मीडियम पर कर दी है, बिल्कुल लो है। अब हमें इन्हें लो फ्लेम पे ही सेकना है, बादाम को भूनना है मतलब। तो हमें इनको चलाते जाना है इस तरीके से, और जब तक ये भुनना जाए, जब तक इनको हमें भूनना है अच्छी तरीके से। तो देखिए, भुनने का नंबर लग गया है रोस्ट होने का। ऐसे ही हम इन्हें रोस्ट कर लेंगे। देखिए, चटकने का भी नंबर लग गया हल्का हल्का। चलाते रहना है इनको, नहीं तो अब ये जल जाएंगे। और चलाते जाइए और आंच को बिल्कुल लो पर रखिए। तो देखिए, इनके चटकने की आपको आवाज आ रही होगी। लेकिन इन्हें आपको चलाते रहना है। तो हमें इनको अच्छे से रोस्ट करना है इसीलिए, क्योंकि अगर हम भूनेंगे नहीं तो ये हमारी सर्दी जुकाम को कम जल्दी से ठीक नहीं करेंगे। जितना ये भुन जाएंगे उतनी ही ज्यादा ही असर करेंगे सर्दी जुकाम को ठीक करने में। तो देखिए, मैंने इनको इतना रोस्ट कर लिया, सारे बादाम, एक एक बादाम आपको रोस्ट हुआ दिख रहा होगा, भुना हुआ। देखिए अच्छी तरीके से, तो रेडनेस आ गई है अंदर की साइड में, जलने नहीं चाहिए, रेड हो जाने चाहिए हल्के हल्के अंदर से। देखिए, बिल्कुल रेडनेस आ गई है सब में। अब हम यहीं पर गैस को कर देते हैं बंद। अब हमें 1 मिनट, आधा मिनट सा और चलाते रहना है, ताकि हमारी जो कढ़ाई के नीचे गरम है कढ़ाई, तो ये जले ना नीचे से। और अब हमें इनको ठंडा होने तक वेट करना है, चाहे जितना टाइम लगे, लेकिन हमें इनको बिल्कुल ठंडा होने देना है। लेकिन ऐसे नहीं है कि आप सुबह रख दो और शाम को फिर इनको बनाओ, लेकिन आपको बस ठंडे होने का वेट करना है, नहीं तो ये सील जाएंगे। आपको सीलने तक का वेट नहीं करना है, आपको ठंडे होने तक का वेट करना है केवल। ये देखिए, बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, कम से कम 10-15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इनको मिक्सी के जार में डाल के पीस लेती हूँ। तो देखिए, मैंने इसको पीस लिया है, कुछ इस तरीके का पाउडर बनके रेडी हो चुका है। देखिए, बिल्कुल बारीक, हल्का सा दर दर रह जाता है इस तरीके से, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसे किसी भी कंटेनर में भर के रख लेते हैं। हमें इनको ज़्यादा नहीं पीसना, ये आपको ध्यान रखना है, एक बार जो पीस जाए, नहीं तो ये अपना ऑयल छोड़ जाते हैं, चिपचिपे हो जाते हैं, नहीं तो देखिए इस तरीके से। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसमें कर लिया है डिब्बे में। अब हमें इसमें एक और चीज़ डालनी है, क्योंकि हमें सर्दी जुकाम को ठीक करने के लिए ये पाउडर बनाया है। तो ये सर्दियों में, सर्दी जुकाम बच्चे को हो या ना हो,
आप रेगुलर देते रहिए, क्योंकि ये तो वैसे भी बादाम फायदा करते हैं। तो देखिए इस तरीके से ऑयल सा छोड़ गया, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम फोड़ देंगे। अब देखिए मैं ले लेती हूँ काली मिर्च, तो आपको थोड़ी सी लेनी है, नहीं तो बच्चे को बहुत ज़्यादा कड़वा लगेगा। तो देखिए मैंने करीब आधा चम्मच से काली मिर्च इसमें ऐड की है। तो काली मिर्च बहुत ही ज़्यादा सर्दी जुकाम को ठीक करती हैं जल्दी से। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे बिल्कुल बराबर। और ये जो गुठलियाँ हो गई हैं इसकी, इसको हम फोड़ देंगे सबको। तो मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब हमें देखिए बच्चे के लिए हम बादाम को 2 घंटे घिसते हैं, बहुत देर लग जाती है घिसने में। तो आप इसको किसी भी देखिए पाउडर को, जैसे कि दूध वगैरह पिला रहे हो कटोरी चम्मच से, या फिर सेरेलक वगैरह खिलाते हो छोटे बच्चे को, या फिर कोई ऐसी चीज़ खिलाते हो जिसमें आप दूध की जिसमें आप मिला के दे सकते हो। तो थोड़ी सी आपको इतना सा लेना है, जैसे कि 1 बादाम करीब, और उसमें आप मिलाइए और दे दीजिए, नहीं तो आप सूखा भी उसे चटा सकते हैं बच्चे को। तो देखिएगा जैसे कि हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे होते हैं और हमें उनके लिए बादाम घिसना पड़ता है, लेकिन अब ये हमारा पाउडर देने के लिए रेडी है, क्योंकि अब इस पाउडर को हम कभी भी कोई भी टाइम दे सकते हैं, लेकिन घिसने के लिए हमें चाहिए होता है टाइम। अब देखिए थोड़ा सा लीजिए बच्चे के अकॉर्डिंग, देखिए मैंने आधा चम्मच करीब लिया है, आधा चम्मच से बिल्कुल देखिए कम है। और इस तरीके से बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके चटा दीजिए, और या फिर दूध में मिक्स करके भी चटा सकते हो। तो ये मेरा 6 मंथ की बेबी है, तो मैं इसको ऐसे ही चटा सकती हूँ। अगर आपका छोटा बेबी है तो आप उसको दूध में थोड़ा सा मिक्स कीजिए और चटा दीजिए, क्योंकि छोटे बच्चे सूखा पाउडर ले नहीं पाएंगे अच्छी तरीके से इसीलिए। और इसमें काली मिर्च भी ऐड है, तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा सर्दी जुकाम में ये फ़ायदा करेगा। और आप इसे रेगुलर दे सकते हो, ये नहीं है कि जब सर्दी हो जब ही देना, आप इसे एक बार बना के रख लीजिए और ये महीने भर के लिए आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। और गाइज ये वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसे आप कई तरीके से दे सकते हो, जैसे कि ये मैंने जैसे कि सूखा दे रही हूँ, आप इस तरीके से कोई भी बड़े बच्चे हैं आपके यहाँ या बड़े बूढ़े हैं जो कि बादाम नहीं खा सकते हैं, तो इस तरीके से पाउडर भी आप दे सकते हो। और या फिर कुछ सेरेलक वगैरह खिलाते हो बच्चे को, दूध वगैरह पिलाते हो आप कटोरी चम्मच से, उसमें मिला लीजिए थोड़ा सा और दे दीजिए। तो आप जैसे कि मैं, ये बेबी है मेरा 6 मंथ का, तो मैं करीब 1 बादाम के करीब इसको मतलब आधा आधा करके 2 बार में दे दूंगी इसे। हमारा मन हो सकता है जब भी हम अपने बच्चे को अब बादाम खिला सकते हैं। अब हमें कोई भी झंझट नहीं लगने वाला है बादाम खिलाने का। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बाय बाय।